हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो पहले मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। मैं आज आप लोगों को अपनी सासू माँ से मिलवाऊंगी, अयान की दादो माँ से मिलवाऊंगी, जो कि अयान अभी ज़िद कर रहा है कि मामा आज मुझे जाना है दादो से मिलने के लिए। तो मैंने अभी जैन को फ़ोन किया है, तो वो पता नहीं अभी क्या कहते हैं। जैन ने फ़ोन पिक नहीं मेरा किया है, तो लेकिन आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में अयान की दादो से मिलवा दूंगी। आप उनको देखिएगा, अयान अपनी दादो के साथ मिलके कितना खुश होता है, अयान की क्या एक्साइटमेंट है। तो अभी चलते हैं अंदर अयान के पास, ताकि वो मूड बना के बैठा हुआ है कि आज ही मुझे दादो से मिलना है। तो मिलते हैं अंदर अयान से जाके पहले, तो अयान का रिएक्ट देखते हैं कि कैसा है जब मैं उसको बताऊंगी कि आज लेके ही जाऊंगी आज आपको दादो से, और उसके पापा से भी रब्ता कर लूँ। तो मिलते हैं अयान से। अयान बाबा, क्यों? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ, मेरे को दादो के पास नहीं लगता है। ओहो, मैं अभी पापा को यही तो तुम्हें बताने आई हूँ नहीं कि मैंने प्लान फिक्स कर लिया है नहीं दादो के पास जाने का। प्लान फिक्स है, नहीं आज मैं जरूर आपको मिलवाऊंगी दादो नहीं से। पापा नहीं लेके नहीं, जाएंगे, पापा को आज हम लोग एग्री कर लेंगे कि आज हम लोगों ने मुझे जाने पता जाए। नहीं लगता। नहीं, आज मैं पापा को एग्री कर ही लूंगी। ठीक है, अब खुश हो जाओ, सही है, दादू के पास जा रहे हैं, सही है। सो गाइज, आपने यान का रिएक्शन देख लिया है कि पहले वो नाराज हो रहा था, अभी वो खुश है, अब खुशी से गेम खेल रहा है, नाराज होके अकेला कमरे में बैठा हुआ है। तो अभी मैं जैन को कॉल करने लगी हूँ। वैसे हम लोग तो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं जाने के लिए, तो अभी जैन को कॉल करते हैं, वो आएगा और हमें लेके जाएगा। और आज वो इनकार भी करेगा तो हम लोग जिद करके जैन को मनाएंगे कि हमने जाना ही जाना है, क्योंकि अयान का बहुत मूड हो रहा है अपनी दादो से मिलने के लिए, तो आज हम जाएंगे। हाँ, सो गाइस, जैन आ गया है। जैन, अब हेलो तुम कह गाइस, रहे कैसे हो, हैं? हाँ चलो कर लो हेलो गाइस से। तो मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग आज कह रहे हैं इनकी दादी के पास लेके हाँ, जाना है आज यान तुम को, जान छुड़ा के जा नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो जबान अयान को दे दी है। तुम्हें पता है, अयान जो है ना, वो नाराज हो जाए तो फिर मेरा मसला खराब होता है। चलो ठीक है, यान को रेडी करो। तो मैं तो हाँ रेडी हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ, फिर हाँ हम चलते लोग तो हैं। बिल्कुल रेडी हैं। तो फिर मिलते हैं अम्मी के पास जाके, अम्मी के घर पे, ठीक ठीक है ना? है, तो बाकी वीडियो हम लोग आप लोग को उधर जाके दिखाते हैं कि हमने अम्मी के साथ क्या हाँ बातें की हैं। सही है ठीक है, ओके गाइस। गाइस। सो गाइस, हम अयान की दादो के पास पहुंच गए हैं। अयान अपनी दादो के पास है और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, और हंसी मजाक हो रहा है, अयान भी बहुत खुश है, और हम लोग बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। खाना वाना खा लिया था तो अभी बाहर आके बैठे हैं। तो ये अयान की दादी है, अयान दादो के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो हम लोग गप्पे लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपस की हमारी बातें चल रही हैं। अयान भी कह रहा था एक बार मुझे ज़रूर मिलना है स्कूल जाने से पहले, और इसकी दादी भी खुश है, कह रही है अच्छा किया आप लोग आ गए हो। तो गाइस, इनकी दादी थी ये। मैं तो नई क्लास में भी चला गया हूँ, और मैंने बैग भी लिया है, बोतल भी, बॉक्स भी। अच्छा, और पढ़ के डॉक्टर बनना है, जी, सही डॉक्टर है, ही बनूंगा। सही है, अच्छा जी पढ़ना है, जी ठीक सही है, है, अच्छा दिल लगा के पढ़ूंगा। पढ़िया करो। अच्छा अभी तो मैं नई क्लास में चला गया हूँ, 4 में। मैंने अच्छा अभी बैग भी लिया कल, और भी चीजें ली हैं, बॉक्स वगैरह, यूनिफॉर्म, अच्छा कोर्स, सब कुछ लिया है। सही फिर है। मैं बताने आया था आपको। अच्छा, न्यू क्लास में जा रहा है ना, दुआएं लेने आया दादी जी। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, पास करे जी फिर। अच्छा, जी बाल भी छोटे कर दिए। हाँ, अभी बाल भी कटवाऊंगा ना, अपने बड़े हो गए थे लोग अच्छा छुट्टियों में। सही है, कर रेडी? गया। अच्छा, बहुत देर को ग्रुप नहीं था। सो गाइस, देखो यान के नखरे, एटीट्यूड, दादो के पास आया हुआ है ना तो किस तरह नखरे कर रहा है यान। सो रहा है, नहीं, ऐसे नाटक कर रहा है जानबूझ के, अभी उठ नहीं रहा यान। दादो कह रही है अभी आपने चले जाना, उठ के बातें कर लो। इन दाड़ी है चलो मम्मा।
ये चाह रहा होगा मैं सो जाऊं तो इधर ही रह जाऊं दादी के पास। गाइस नहीं, मैं इधर ही घूम रुकूंगा घूम रात के थक गया है, रात बहुत में, इधर घूमा ही। बार बार ऊपर नीचे। तो जैन आंटी को यही हो रहा था, पहले भी इसको चोट लगी थी, कहीं नीचे मुझे जाके डर तेज लगता है, झूला लेके कहीं चोट ही ना लगवा ले। झूले तो साफ थे ना। अयान उठ के बैठो ना, कभी अपनी दादी के पास आके कह रहा है मुझे खाना खिलाओ, कभी कह रहा है मुझे ये खाना है, चाय नहीं पीता, कह रहा था मेरे दादी मुझे बाथरूम में भी पापे होती दो, है तस्वीर तो चोर हाँ कि मुझे पापे खाने हैं चाय के साथ, बड़ा खुश था। शुरू शुरू तक किंडा और आए तो किंडिया ने अम्मी ऐसा भी पापे खाने ने, वो बड़े पापे खांदे ने ना किंडा खांदे ने जवेरिया और वो वो तो कहंदी ने, क्या वो तो अपने कहते प्यो नु पापा कहंदी कहंदे तो सब पापे खांदे। बच्चे ने ना, तो बच्चे कोई ना अजीब ही गल कर छड़ देने। अयान आप क्या कहना चाह रहे हो इस वक्त, आप बहुत खुश हो, कुछ बताओ। क्या मैं बहुत, खाएगा? गाइस मैं बहुत खुश हूँ, और अभी मैं दादी के पास आया था, अभी मेरे को नींद आ रही है और मैं सोने लगा हूँ। टाटा बाद में गुड नाइट। हाँ तो गाइस ये बहुत जिद कर रहा था कि स्कूल जाने से पहले एक बार मुझे दादो से मिलवा के लाओ, मैंने दादो के पास सारा दिन गुजार के आना है। तो अब हम लोग सारा दिन इधर गुजारा है, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंट हुआ है। तो अभी थोड़ी देर और बैठेंगे तो घर चले जाएंगे। तो आंटी तुसी दसो तुहाडा दिन कैसा गुजरिया साडा तो बहुत अच्छा गुजरिया, अज है? दिल लगाया, अज मेरे दिल ने भी नहीं लगना बाद हाँ सुना है दिल कि मेरी सासू माँ कह रही है अभी आप लोग चले जाओगे तो मेरा दिल भी नहीं लगेगा। हम दोनों ऐसे हंसी मजाक में ही रहते हैं, मेरी मेरी सास ऐसे जैसे मेरी दोस्त है, वो सास की तरह नहीं है, बस दोस्तों की तरह। हंसी मजाक, शॉपिंग करने हम लोग इकट्ठा जाते हैं, बाजारों में घूमना। तो फिर जैन तंग आ जाता है, कहता अम्मी और शाजिया बहुत घूमती हैं, कोई शादी हो कोई ईद क्रिसमस आ जाता है तो हम लोगों का घूमना फिरना। जेठ की शादी करोगी हाँ अब मेरे जेठ की शादी होगी तो गाइज हम आपको शॉपिंग सारा कुछ वीडियो में दिखाएंगे। तो हंसी मजाक, घर में ढोलक वगैरह रखेंगे शादी में, तो देखना आप लोग। मेरी सास मुझे कहती है अच्छी अच्छी तैयार घूमने हुआ कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, वो बहुत खुश होती है। और आंटी आप बताओ मैं खाना कैसा बनाती हूँ? बहुत अच्छा खाना बनाया आज, तो बहुत अच्छा खाना था, मैंने बहुत पसंद है टिंडे गोश्त बड़े हाँ गाइस मैंने बताया था ना मेरी सास को टिंडे गोश्त बड़े पसंद है मेरे हाथ के। मैं जाके नहीं तो बनाओ आज शादी, टिंडे गोश्त बनाओ। अयान आप माइक पकड़ के रखो बीच में, और अयान बोलता मामा आप टिंडे गोश्त बनाती हो जब मेरी दादो आती है, तो मैंने कहा दादो की फरमाइश होती है टिंडे गोश्त की। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग अपने घर पे आ गए हैं, तो अभी रात हो रही है, सोने का टाइम भी हो रहा है, तो हमने बोला एक बार आपसे खुदाफिज कर ले। तो अयान वहाँ पे बहुत मस्तियाँ की हैं, सारा कुछ आपको वीडियो में दिखाया, अपनी दादों के साथ बहुत खुश था। और अयान आप बताओ कि आपको कैसा लगा? मामा आपने बोला था हम लोग जाएंगे, आपने मेरा प्रॉमिस पूरा करा है। आप खुश हो मेरे साथ? अच्छा अयान देखो मेरे साथ खुश है। और जैन तुम? तो आप लोग बताओ आज कैसा फिर दिन निकला आप लोगों का हम लोग तो वहां पे अम्मी के बड़े साथ? खुश थे, कभी अयान क्या वहां पे मंगवा रहा था खाने के लिए, कभी क्या, और बार बार नीचे भी जा रहा था चलो झूले लेने के अयान लिए। खुश भी हो गया, चला भी गया, दादी भी खुश हो गई है, तो मस्तियां बहुत की है दादी के साथ। फिर आपको हमने वीडियो में इसकी दादी, इनकी दादी भी अयान आप दिखाई लोगों है। से वैसे क्या कह रहे थे तो कि अभी मुझे मिलना था? क्या आप कह रहे थे कि मुझे स्कूल जाने से पहले एक बार दादू से मिलना था? स्कूल जाने से पहले एक बार मुझे मिलना था दादी के साथ। तो इन्हें मैं मिलवा के ले आया हूँ, क्योंकि अभी इनके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्कूल खुल रहे हैं, तो ये चाह रहा था कि दादी से एक बार मिल के आ जाऊँ। तो दादी बहुत खुश हुई है, ये एक तो नई क्लास में चला गया है, इसके बैग लेना था और यूनिफॉर्म लेना था, चीज़ें कुछ लेनी थी, वो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। तो ये कह रहे थे एक बार मिलना है, इसने अपने मामा को मनाया कि मामा ने बोला चलो, फिर इनकी कौन टाल सकता है भाई, सुननी तो पड़ेगी बच्चों की, वाइफ की भी। अब लेके गए, फिर मिलवा के लाया हूँ, और अभी आए हम लोग उधर से थके हुए। तो एक बार हमने चाहा कि आप लोग को बता दें कि इनकी दादी से मिल के आ गए, बाकी बात शाजिया करेगी आपके साथ। हाँ
तो इसकी दादी कह रही थी अभी आप लोग चले जाओगे तो मुझे फिर अकेलापन होगा, मैं बहुत इसकी दादी का भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा है और हमारा भी, और अभी वो कह रही थी तुम लोग जा रहे हो तो मैं उदास हो रही हूँ, तो हमने बोला हम फिर आएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अदर व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी बाय बाय कर दो गाइज़ को, बाय गाइज़। बाय।